हेलो स्टूडेंट्स सो आई एम डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव एंड वी आर मीट अग अगेन फॉर आवर डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ क्वान्टिविक फॉर मैनेजर्स एंड इन दिस राइट नाउ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ द फोर्थ यूनिट ऑफ योर सिलेबस द सेकेंड लास्ट यूनिट इन टॉपिक इन फैक्ट ऑफ द फोर्थ यूनिट ऑफ योर सिलेबस एंड इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम सो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम जो है जो फोर्थ यूनिट में जो दो मॉडल्स आपके कवर हो रहे हैं उसमें से पहला मॉडल सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग मॉडल है और उसमें हम लोगों ने पिछले कुछ सेशंस में बातें की हैं कि किस तरह से अगर हमारे पास कुछ जॉब्स हैं और कुछ मशीन्स हैं तो उनको कैसे हम सीक्वेंस करते हैं देर आर सर्टन जॉब्स देर आर सर्टन मशीन्स ऑन विच दिस जॉब्स हैव टू बी परफॉर्म्ड सो इन विस सीक्वेंस दिस दिस जॉब शुड बी शुड बी प्रोसेस्ड ऑन दीज मशीन्स सो दैट द टोटल टाइम टेकन इज़ मीमाइज्ड एक्चुअली द टोटल आइडल टाइम गेट्स मिनिमाइज्ड एंड देयर फॉर द टोटल एलैप्स टाइम ऑल्सो गेट्स मिनिमाइज तो ये हम लोगों ने देखा था और अलग अलग सिचुएशन देखी थी अलग अलग केसेज देखे थे पिछले सेशन्स में अब आज जो हम लोग सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम में ही आगे देखने जा रहे हैं वो थोड़ी सी अलग तरीके की प्रॉब्लम है पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मशीन्स दो हैं या मशीन्स दो से ज़्यादा हैं एक्चुअली हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से दो मशीन और तीन मशीन की प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कवर की हैं वैसे हमने आपको यह भी बताया था कि तीन मशीन से ज्यादा की अगर प्रॉब्लम है तो वो जनरल केस भी कैसे हैंडल किया जा सकता है बट द थिंग वॉज दैट वॉट एवर बी द नंबर ऑफ मशीन्स द सीक्वेंस ऑफ द मशीन्स वॉज फिक्सड सो ईच जॉब हैड टू बी प्रोसेस्ड अपॉन ईच ऑफ द मशीन इन द सेम सीक्वेंस इफ देर आर थ्री मशीन्स एम वन एम टू एंड एम थ्री then each job will be first processed on m1 and then on m2 and then on m3 but now we in this particular session we are going to take up a slightly different problem what is this we are going to address sequencing problems where there are two jobs and there are several machines on which on which these jobs need to be processed so two jobs and m machine problems obviously this m can be equal to 2 थ्री फोर वॉटवर बट नॉर्मली प्रैक्टिकली वेन यू विल बी गेटिंग सच प्रॉब्लम्स यू विल बी गेटिंग more than say around five to six job problems you will be handling. पांच जॉब की अगर हम कर सकते हैं तो छह जॉब्स की भी हो जाएंगी जो तरीका है वैसे ही होगा लेकिन पांच छह से ज़्यादा का नहीं होगा क्योंकि फिर उसको मैन्युअली करना जो है वो थोड़ा सा अनमैनेजेबल होने लगेगा तो ये प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे इस तरह की एक एक, एक आज एग्जाम्पल देख करके और इसको समझेंगे कि इफ़ देर आर ओनली टू जॉब्स एंड देर आर सेवरल मशीन्स देन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अब सिचुएशन देखिए ऐसा है कि अगर इतना ही केवल होता तब तो जैसे हम लोगों ने जॉनसन सेल्गोइम के थ्रू सॉल्व की थी पहले वाली प्रॉब्लम्स वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंस क्या है वहाँ पे जॉब्स दो से ज़्यादा थे कई सारे जॉब्स थे चार पाँच छः जॉब्स होते थे यहाँ पर केवल दो जॉब्स हैं तो और आसान ही एक तरह से हो जाएगी लेकिन जो यहाँ पर जो कैच है जो एक थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है डिफरेंस ये है कि अब जो मशीन्स का जो सीक्वेंस है दैट मे डिफर फ्रॉम जॉब टू जॉब सो इफ देयर आर फाइव डिफरेंट मशीन्स से फ्रॉम एम वन टू एम फाइव फाइव डिफरेंट मशीन्स आर देयर सो दीज टू मशीन्स मे बी वन जॉब इज़ बींग प्रोसेस्ड इन द सेम सीक्वेंस एम वन दैन एम टू देन एम थ्री देन एम फोर देन एम फाइव दी जॉब द सीक्वेंस ऑफ द अदर जॉब में डिफर से फर्स्ट एम टू देन एम फाइव दैन एम थ्री देन एम वन दैन एम फोर वॉटर this sequence will may differ and this sequence obviously will be given also it will provided with the question and as was the case in the previous problems also here also the time taken by each job on each machine or maybe on each workstation or maybe on each processing department will differ may differ and it mostly will differ so how now to go about performing these jobs किसको कैसे करेंगे पहले अगर एक ही दो जॉब्स एक साथ एक मशीन पे पहुंच गए तो पहले कौन सा होगा दूसरा पहले, बाद में कौन सा होगा इस तरह की सिचुएशन आ सकती है अगर ऐसा कोई क्लैश हो ही ना विच वुड बी वेरी रेयर वी वी कैन एनकाउंटर सच प्रॉब्लम्स आल्सो जहां पे कि कोई क्लैश ही नहीं हो रहा है जब ज, क्योंकि दोनों जॉब्स का सीक्वेंस जो दोनों जॉब्स का जो है मशीन्स के ऊपर जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है तो ऐसा हो सकता है कि अगर दो जॉब्स ए एंड बी हैं और मशीन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वॉट एवर इतने की भी नंबर नंबर ऑफ मशीन्स हैं तो ऐसा कुछ सीक्वेंस बन जाए ऐसी कुछ सिचुएशन है ऐसी कुछ जॉब की जॉब्स की प्रोसेसिंग अलग अलग मशीन्स के ऊपर है कि क्लैशिंग हो ही नहीं रही ऐसी सिचुएशन ही नहीं आ रही है कि दोनों जॉब्स एक ही मशीन के ऊपर साथ साथ पहुँच गए और आपके पास ये समस्या आए आपके सामने कि किसको पहले करें किसको बाद में इफ दैट इज़ द केस देन देर इज़ विल बी नो इशू बट इट विल बी अ रेयर अकरेंस ओनली नॉर्मली वॉट may, may happen in some cases such thing might happen कि एक जॉब तो मशीन वन के ऊपर जा रहा है दूसरा मशीन टू के प्रोसेस में जा रहा है तो दोनों आप साथ साथ भी चला सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ अगर पहुँच गए तो किसको पहले और किसको बाद में करेंगे उसके लिए हम ये यहाँ पर आज इसको देखने जा रहे हैं और समझेंगे तो एज वी हैव सेड टू जॉब्स एंड एम मशीन्स एम इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू यू कैन से थियोरटिकली बट इट विल नॉर्मली प्रैक्टिकली जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो पाँच चार पाँच छः जॉब्स की मिल सकती हैं सो टू जॉब्स और डी आर टू बी प्रोसेस्ड थ्रू सेवरल डिफरेंट मशीन्स अनलाइक द प्रीवियस सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वी हैव डिस्कस्ड हियर ऑर्डर ऑफ मशीन्स में नॉट बी द सेम फॉर द टू जॉब्स दैट आर बींग प्रोसेस्ड तो यही चीज अभी हमने बताई थी अभी एक प्रॉब्लम लेकर के जब इसको देखेंगे समझेंगे तो ये सिचुएशन ये चीज़ और भी ज़्यादा हम लोग को क्लियर हो जाएगी कैसे करेंगे इसको तो इसके बारे में इस स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं अ ग्राफिकल मेथड इज़ यूज नाउ दिस इज़ अनदर वेरिएशन ऑफ द ग्राफिकल मेथड हम लोग एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम लोग बात कर रहे थे समझ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देखा था देन इन द प्रीवियस मॉडल वैन वी आर टॉकिंग अबाउट गेम थ्योरी इन दैट ऑल्सो वी हैव सीन अनदर ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग गेम्स फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ द गेम जिसमें कि कुछ सिमिलैरिटी थी लेकिन uh, 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 अलग ही मेथड था थोड़ी सिमिलरिटी थी कि जैसे वहाँ पर भी हम लोग फीजिबल रीजन की बात करते थे एल में और यहाँ भी फीजिबल रीजन uh, की बात करते थे लेकिन ये जो ग्राफ है ग्राफ तो है ही है तो कुछ सिमिलरिटी यहाँ पर भी होगी लेकिन इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर ग्राफ्स दैट वी हैव सीन अर्लियर ग्राफिकल मेथड्स इन लीनर प्रोग्रामिंग एंड एंड गेम थ्योरी दैट वी हैव ऑलरेडी सीन सो अ ग्राफिकल मेथड इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल टाइम टेकन टू प्रोसेस द जॉब्स एंड ऑल्सो द आइडियल टाइम्स फॉर द जॉब्स तो ये दो चीज़ें ही एक्चुअली हमको चाहिए ही चाहिए टोटल टाइम तो हमको पता ही है बेसिकली दिक्कत क्या होगी क्या प्रॉब्लम क्या है और जो जो चीज़ हम लोग को मैनेज करनी है वो हमने पहले भी हमने बात की थी कि आइडल टाइम जानना है हमको और आइडल टाइम मैनेज करना है आइडल टाइम कैन बी ऑन मशीन्स कैन बी ऑन जॉब्स दोनों में से कोई भी अगर आइडल है तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा जितना भी एक्चुअल टाइम है अगर पाँच अलग अलग मशीन है किसी पर दो मिनट लग रहा है किसी पर पाँच मिनट लग रहा है किसी पर एक घंटा लग रहा है तो जब हम सारे को जोड़ देंगे तो उतना टाइम लगेगा वो तो मिनिमम पॉसिबल है लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि जॉब अवेलेबल है मशीन अवेलेबल नहीं है या मशीन अवेलेबल है जॉब अवेलेबल नहीं है तो वो जो टाइम है वो तो जो आइडल टाइम है ईदर द मशीन ऑल द जॉब वेन दैट इज आइडल वो आपके जो टाइम में वो ऐड होता जा रहा है तो प्रोसेस तो नहीं हो रहा है लेकिन एक्चुअली कितना टाइम टोटल लग गया जॉब्स की जॉब्स को प्रोसेसिंग शुरू होने से आखिर तक ये अब मैटर करता है किसी भी ऑर्डिनेशन के लिए सो अ ग्राफिकल मेथड अगेन इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल टाइम टेकन टू प्रोसेस द जॉब्स एंड ऑल्सो द आइडियल टाइम फॉर द जॉब्स द मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज द एकर्स मेथड ये आपके सिलेबस में ऐसे मैंशन नहीं है लेकिन ये जो मेथड है इट इज़ द एकर्स मेथड और उन्होंने इस मेथड को डिवाइज किया था तो कैसे करेंगे सिंपल ही मेथड है कुछ नहीं ग्राफ के ऊपर बस प्लॉट करते चले जाना है एक्यूरेसी थोड़ी सी होनी चाहिए ये बस जरूरी है हमने आपको ये भी एक चीज़ बताई थी कि लीनर प्रोग्रामिंग का जो ग्राफ है वो रफ ग्राफ एक हो सकता है और उसके बाद हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं गेम थ्री में जो ग्राफ हमने बनाया था उससे ज़्यादा थोड़ी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड वहाँ पर होती है क्योंकि अगर लाइंस uh, जो हम लोग प्लॉट प्लॉट करते हैं उसमें रीजनेबल डिग्री ऑफ़ एक्यूरेसी नहीं है हंड्रेड परसेंट वहाँ पर भी ऐसी कोई नहीं चाहिए लेकिन रीजनेबल डिग्री ऑफ़ एक्यूरेसी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर लेकिन एक्यूरेसी और ज़्यादा चाहिए क्योंकि फिर uh, अगर uh, प्रॉपर तरीके से हम नहीं चलेंगे बात अभी देखेंगे समझेंगे भी तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है हालाँकि फिर भी एक फ्री हैंड्स मतलब आप uh, uh, बिना ग्राफ पेपर के भी ग्राफ बना सकते हैं यहाँ भी uh, uh, तो अभी देखते हैं उसको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसिंग ऑफ जॉब्स ऑन दी मशीन्स तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे सो लेटेस्ट टेक अप दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल एंड थ्रू दिस एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड द्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग टू जॉब्स एम मशीन प्रॉब्लम्स हाउ टू प्रोसेस दिज टू जॉब्स तो ये क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता है लेकिन फिर भी आता रहता है बीच बीच में आता है तो सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन तो आते हैं सीक्वेंसिंग में ज़्यादा प्रॉब्बलिटी तो यही है कि आपसे जो हम लोगों ने पिछले सेशन्स में जो बात की है देर आर जस्ट टू मशीन्स और थ्री मशीन्स एंड मोर देन टू और थ्री और फोर जॉब्स आर देयर वैसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं लेकिन इस तरह की ग्राफिकल मेथड वाली प्रॉब्लम्स भी बीच बीच में पूछ ली जाती हैं सो वी शुड ऑब्वियसली बी वी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम और हमेशा एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपसे ना पूछा जाए लेकिन उसका प्रोसेस स्टेप्स जो है आपसे पूछे आ सकते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल लेकर के आप स्टेप्स समझा दीजिए या इस तरह से कुछ आ सकता है तो दोज क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी आज देयर फॉर दिस मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट सो यूज़ द ग्राफिकल मेथड टू मिनिमाइज द टोटल टाइम नीडेड टू प्रोसेस द फॉलोइंग जॉब्स ऑन द मशीन शोन ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल इलेप्स टाइम टू कंप्लीट बोथ द जॉब्स तो कितना टाइम टोटल लगेगा टोटल टाइम कितना लगेगा तो टोटल टाइम लगेगा तो अगर हम जोड़ दें टाइम्स को उतना ही टाइम लगेगा लेकिन वो जो टाइम है वो ऐस इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि जो बीच में आइडल टाइम है वो भी उसमें जुड़ जाएगा तो बेसिकली जो ये एकर्स मेथड है या जोग्राफिकल मेथड है वो हमको ये बताएगा कि आइडल टाइम कब कब किस किस जॉब पे कितना कितना है और वो टाइम्स हम जब इसमें जोड़ देंगे तो हमको टोटल टाइम मिल जाएगा पहले जॉब के लिए अलग आएगा दूसरे जॉब के लिए अलग आएगा और दोनों साइमल्टेनियसली ऑब्वियसली चलेंगे तो ये एक सिचुएशन जो ये जो प्रॉब्लम हम लोग के सामने है दो जॉब्स हैं जॉब ए एंड जॉब बी फाइव मशीन्स आर देयर फ्रॉम वन टू फाइव बट एज यू कैन सी द सीक्वेंस फॉर बोथ द जॉब्स ऑफ द मशीन्स फॉर बोथ द जॉब्स दैट इज प्रोवाइडेड तो जो पांच मशीन्स हैं उसका जॉब ए का जो प्रोसेसिंग जो सीक्वेंस है वो है पहले मशीन वन then 3, then 2, then 4, then 5. Then again for job B the sequence is 2, 1, 3, 4 and 5. So, different sequences are there. Same sequence can also be there, entirely different sequence can also be there. वो कैसे भी हो सकता है जैसे यहाँ पर last के दो जो हैं वो four five दोनों में में हैं, वो कोई भी किसी तरह से भी हो सकता है और time in hours that is also given. और हो मिनट्स हो कुछ भी हो सकता है वैसे तो तो और मान लें मिनट्स मान लें ये दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव फॉर मशी फॉर मशीन वन जॉब ए फिफ्टीन थर्टी फाइव ट्वेंटी एंड थर्टी एंड सिमिलरली फॉर जॉब बी ऑन मशीन टू ट्वेंटी दैन फिफ्टीन दैन थर्टी फाइव दैन फिफ्टीन एंड देन ट्वेंटी फाइव तो कैसे बढ़ेंगे कैसे प्रोसीड करेंगे इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे तो ये टाइम्स uh, रेफ़रेंस uh, के लिए हम लोगों ने एक तरफ लिख लिया है और ग्राफ इस तरह से है मैंने तो इसको आप क्योंकि एक प्रॉपरली समझने की ज़रूरत है तो इसको मैंने एक्सेल में बना करके यहाँ पे डाला हुआ है uh, ज़रूरी ये है बस कि एक रीज़नेबली एक्यूरेट ग्राफ होना चाहिए और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमने ली हुई हैं यहाँ पर तो सीक्वेंस इज़ इम्पॉर्टेंट डेर तो यहाँ पर हमने जो दोनों में से वैसे तो कुछ भी हो सकता है लेकिन हम लोग एक्स को प्राइमरी पहला एक्सेस पहला हम लोग एक्स को लेते हैं तो X पे हमने पहला जॉब ले लिया जॉब ए तो जॉब ए जो है वो X पे आ गया एक्स एक्सिस पे जॉब ए आ गया इधर और जॉब बी जो है वो वाई एक्सिस पे आ गया ये दोनों जॉब्स हो गए इस तरह से हम उनको डिपेंड करेंगे पहली चीज़ तो ये है तो दो जॉब्स हमेशा दो ही जॉब रहेंगे इस प्रॉब्लम में आपको दो से ज़्यादा जॉब की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी जैसे कि ग्राफ तो ग्राफ पे तभी हम उसको कर ही पाएंगे वरना ग्राफिकल मेथड जो है वो उसके लिए उ, उ, उसके स्कोप का बाहर का ये क्वेश्चन हो जाएगा तो एक जॉब पे चला गया एक एक्स एक्सिस पे दूसरा जॉब वाई एक्सिस पे चला गया अब रूलर का यूज़ करके भी ऐसे ब्लॉक्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्लॉक्स यहाँ पर केवल इसलिए मैंने यूज़ किए जिससे कि हम लोग आसानी से समझ सकें कि आ, आ, किस तरीके से कहाँ कहाँ कितनी मार्किंग्स हैं और कितने कितने डिस्टेंसेज हैं वो अच्छे से समझ जाएँ आपको ब्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं है यानी कि ये एक तरह से ग्राफ पेपर मैंने यहाँ बना दिया ग्राफ पेपर की ज़रूरत है नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी उसके बिना भी हाँ ये ज़रूर है कि मोर और लेस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ना हो तो भी करीब करीब रीज़नेबली एक्यूरेसी के साथ आप जो एक्सेस हैं उनके बीच का एंगल 90 रखें ऐसी कोशिश करें नंबर वन और जो ये मार्किंग्स जब हम बनाएंगे तो ये रूलर का यूज़ करके करना पड़ेगा इसमें डिफरेंसेस ना आने पाए पता चला एक मार्किंग छोटी है दूसरी थोड़ी बड़ी है तीसरी फिर कुछ अलग हो गई ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये चीज़ें बस ध्यान रखनी है और फिर ये वर्टिकल हॉर्जोनटल लाइन्स जो बनी हुई हैं ग्राफ पेपर को प्रेजेंट करते हुए इसकी आवश्यकता आपको ऐसी नहीं रह जाएगी फिर क्या करना है अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जो सीक्वेंस दिया हुआ है जॉब्स का वन जॉब एक पे जॉब ए का जो है सीक्वेंस है मशीन के ऊपर वन थ्री टू फोर एंड फाइव तो वन सबसे पहले आ गया वन अब जैसा जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको स्केल करना पड़ सकता है ग्राफ को तो यहां मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने आ, आ, आप देख सकते हैं जो मशीन टाइम्स हैं वो सारे फाइव के मल्टीपल्स हैं अब अगर आ, यहां पर एक सेल जो है उसको हम एक यूनिट मानते तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता इसलिए मैंने एक सेल जो है उसकी जो लेंथ वो फाइव मानी है यहाँ पे तो जब ट्वेंटी फाइव है तो ट्वेंटी फाइव यानी कि फाइव सेल्स हो जाएंगे तो यहाँ पर वन जो पहला जो पहली जो मशीन है वो पाँच सेल्स तक जा रही है पाँच मार्किंग्स तक जा रही है जा रहा है ये फाइव हो गया फिर फिफ्टीन तो थ्री हो गया फिफ्टीन बाई फाइव कर रहे हैं एक एक सेल की मार्किंग स्केल क्या है वन इज़ इक्वल टू फाइव तो वन इज इक्वल टू फाइव है इसलिए यहाँ पर हमने तीन यहाँ पे ले लिए थ्री के लिए फिर जॉब टू जो है वो है थर्टी फाइव तो सेवन सेल्स यहाँ पे आ गए जॉब टू के लिए सेवन हो गए ये अगले सात सेल्स फिर जॉब फोर अगेन ट्वेंटी है यहाँ पे तो अगले चार सेल्स यहाँ आ गए और जॉब फाइव थर्टी है तो अगले छः सेल यहाँ आ गए इस तरह से हमको मार्किंग्स एक्चुअली बनानी है तो हमने किया क्या ये मैं अलग से बस केवल एक्स एक्सेस ऐसे आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ इतना वन हो गया फिर नेक्स्ट थ्री वन टू थ्री इतना जॉब थ्री हो गया इस तरह से ही यहाँ पे किया जा रहा है ऐसे करके हम लोग आगे इसमें प्रोसीड कर रहे हैं इसी तरह से फिर नेक्स्ट टू फोर एंड फाइव यही काम हमने वर्टिकल एक्सिस पे कर लिया तो वर्टिकल एक्सिस पे जॉब बी है वर्टिकल एक्सिस पे जॉब बी है और उसका सीक्वेंस है टू वन थ्री फोर फाइव तो सबसे पहले टू फिर वन फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव और उनकी भी जो लेंथ्स हैं वो उसी हिसाब से लिया गया है उसी स्केल के हिसाब से लिया गया है ट्वेंटी तो चार सेल्स हो गए फिर फिफ्टीन तो अगले तीन सेल्स वन के लिए हो गए थर्टी फाइव तो अगले सात सेल्स थ्री के लिए हो गए फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फाइव तो अगले तीन सेल फोर के लिए हो गए और अगले पाँच सेल फाइव के लिए हो गए ये स्केल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे भी स्केल कर सकते हैं स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं नॉर्मली स्केल डाउन ही किया जाएगा तो द थिंग इज़ कि अगर छोटी छोटी छोटे छोटे टाइम्स दिए हुए हैं तब तो आप उन्हीं को ले सकते हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से कुछ होता टेन तक भी होता तो आप एक्चुअल वैल्यूज़ भी ले सकते थे यहाँ पे आसानी से पॉसिबल था कि हम फाइव से डिवाइड करके क्योंकि सारे फाइव के मल्टीपल थे इसलिए मैंने इस तरह से लिया है क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ आएगा नहीं तो ये चीज हो गई सबसे पहले तो सबसे पहले हमने जॉब ए एक्स एक्सिस जॉब बी वाई एक्सिस ये कर लिया और उन पे यह मार्किंग्स बना ली अब हम आगे बढ़ेंगे अब हमने प्रोसेसिंग शुरू की तो प्रोसेसिंग शुरू करने का मतलब क्या हुआ प्रोसेसिंग शुरू करने का कैसे हम काम कर रहे हैं तो पह, अब हम एक एक करके इन जो जॉब्स को जो मशीन के ऊपर जो है उनको इस ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेंगे मतलब क्या करेंगे सबसे पहले जॉब वन सॉरी मशीन वन पे जॉब जब हम परफॉर्म कर रहे हैं अगर ए जॉब ए मशीन वन के ऊपर हमने परफॉर्म करना शुरू किया तो ये जो यहां पे आपको शेडिंग दिख रही है इस शेडिंग का मतलब क्या है इस शेडिंग का मतलब ये है और ये कहाँ पे की है तो एक तो ये वन वाला जो पोर्शन है वन पे हम जब जॉब जॉब ए परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो पहले जो 25 घंटे यहाँ पर हैं वो पूरे ब्लॉक हो चुके हैं अब उस दौरान जॉब भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता इस मशीन के ऊपर ये समझना है वो दिखाने के लिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जॉब भी उसमें परफॉर्म किया करने की जरूरत पड़ेगी ही या नहीं पड़ेगी हमें अभी नहीं मालूम। लेकिन हमने ये इंश्योर करने के लिए हो क्या रहा है हमने जैसे ही प्रोसेसिंग शुरू की हमने यहाँ पर Uh, uh, क्योंकि सीक्वेंस अलग अलग है तो जॉब ए की प्रोसेसिंग शुरू की मशीन वन के ऊपर और उसी समय जॉब बी की प्रोसेसिंग भी शुरू कर दी मशीन टू के ऊपर अब दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं दोनों जॉब्स अलग अलग मशीन के ऊपर क्योंकि परफॉर्म करने हैं इसलिए साइमल्टेनियसली चल रहे हैं होगा क्या कि एक जॉब पहले खत्म हो सकता है दूसरा बाद में खत्म हो सकता है यहाँ पे है भी ऐसा ही जॉब बी की जो प्रोसेसिंग है वो 20 घंटे के बाद मशीन टू के ऊपर खत्म हो जाएगी और जॉब भी अगले मशीन के लिए अब उसको वन वन ही है वन पे उसकी प्रोसेसिंग हो सकती तो 20 घंटे के बाद उसको मशीन वन के ऊपर डाला जा सकता है लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि जब जब जॉब ए हमने काम शुरू किया उसके ऊपर तो पच्चीस घंटे तक वो मशीन वन को ऑक्यूपाई किए हुए तो इसका मतलब है कि जॉब बी जो है वो मशीन वन के ऊपर फ्री तो वो हो जाएगा आइडल तो हो जाएगा मशीन टू के से 20 घंटे के बाद ही लेकिन अगले पाँच घंटे तक भी वो खाली ही रहेगा ये इन्श्योर करने के लिए क्योंकि हम ये तो अभी तो हम प्लान कर रहे हैं ना ये ग्राफ क्या है ये ग्राफ तो हमारा प्लान बता रहा है और इस प्लान को बाद में हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने प्लान बना लिया कि दोनों एक साथ करते जाएंगे और हमने कहा जब दोनों एक साथ करते जाएंगे तो जॉब ए को कितना टाइम लगेगा ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन प्लस थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी और जॉब बी को भी कितना टाइम लगेगा ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन प्लस थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव और ये हमने बता दिया कि ठीक है इस तरह से अगर जो टोटल्स जो भी हैं सौ है दो सौ है, है तो दो सौ घंटे में हम ये काम पूरा करके दे देंगे हुआ क्या कि दो दोनों जॉब एक ही मशीन पर पहुँच गए अब एक कौन सा करेंगे कौन सा नहीं करेंगे और जब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई तो आपका जो दो सौ से वो दो सौ पच्चीस घंटा हो गया दो सौ पच्चीस घंटे मतलब एक दिन और बढ़ गया तो डिले हो जाएंगे जॉब्स आपने जो प्लान करके बताया हुआ है आपने कस्टमर्स को बताया है क्लाइंट्स को बताया हुआ है वो प्रॉब्लम्स आने लगेंगी तो इसलिए पहले हम अभी यहाँ पे केवल प्लान कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक्चुअली जो प्रोसेसिंग शुरू करेंगे तो कैसे होगा तो हमें ये पता चल गया इससे ये यह यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है ये यह ये यह यह यहाँ पर शेड करने का क्या मतलब है शेड इसलिए किया गया है कि इतना जो ब्लैक वाला हिस्सा है इस ब्लैक वाले हिस्से में जॉब बी की मशीन वन के ऊपर प्रोसेसिंग नहीं हो सकती इसी तरह से अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है यहाँ पर थ्री तो थ्री जॉब थ्री के ऊपर जब जॉब प्रोसेस हो रहा होगा अगले पंद्रह घंटे तक तो उस दौरान यहाँ पे जो थ्री मशीन थ्री है वहाँ काम नहीं हो सकता है तो इसको भी हमको वहाँ आगे शेड कर देना या टू भी शेड कर देंगे एक तरह से अगर हम चलें जो वन टू थ्री के हिसाब से चलें तो टू भी और थ्री भी वैसे वहाँ शेड हो जाएगा टू यहां पे क्यों शेड किया गया है टू यहां इसलिए शेड किया गया है क्योंकि जिस समय जॉब टू की प्रोसेसिंग हो रही होगी उस समय मशीन टू इधर यूज नहीं हो सकती तो यहां पे ये ब्लैक हो गया जॉब थ्री जैसा कि मैंने अभी बताया तो ये जो तीन ब्लॉक्स हैं पंद्रह घंटे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पंद्रह घंटे के दौरान ये पूरा ब्लॉक जॉब जॉब जो मशीन थ्री है वो जॉब बी के लिए ब्लॉक है ये ब्लॉक यहां पे हो गया और इसी तरीके से जॉब फोर भी हम लोग दिखाएंगे तो जॉब फोर यहाँ पे है और यहाँ है तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यह ध्यान रख कहाँ पे शेडिंग करनी तो जॉब वन पहला जॉब जो है इसको हमने लिया और उधर जो जॉब वन है दोनों दोनों एक साथ ठीक है तो ऐसे हम लोग करके करते हैं तो ये यहाँ पे शेडिंग हो गई और इसी तरीके से फोर नंबर जॉब यहाँ पे हमने कर लिया फाइव नंबर जॉब ये आ गया, फाइव इधर है और इधर है तो ये पूरे इस तरह से हमारे ये ब्लॉक हो गए इतने ब्लॉक हो गए अब हम जब प्रोसेसिंग शुरू करेंगे जहां जहां भी ब्लैंक स्पेसेस अब बची हैं वो वहां वहां हम लोग आराम से प्रोसीड कर सकते हैं तो हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो ये लाइन जो दिख रही है आपको ये जो लाइन बनी यहां पर तो फोर्टी डिग्रीज पर जीरो से हम लोग शुरू करेंगे लाइन ड्रॉ करना फोर्टी डिग्रीज पर और यहां पर जाकर के वो रुक गई यहां पर रुकने का मतलब क्या हुआ कि ये जो जब जब लाइन डायगनली जा रही है या 45 फाइव डिग्रीज पर जा रही है तो दोनों जॉब्स की प्रोसेसिंग चल रही है। और जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल हुई इसका मतलब है कि अब जॉब ए पे प्रोसेसिंग एक्स एक्सिस पे प्रोसेसिंग चल रही है वाई की प्रोसेसिंग रुक गई है हॉरिजॉन्टल का मतलब फिर यहां तक आना पड़ेगा क्योंकि मशीन वन अभी खाली नहीं है इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टली यहां पे आ गए और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू किया फिर से ऐसे डायग्नोल चल, चलना शुरू किया और यहाँ पे देखिए कोई ब्लॉक नहीं आ रहा कोई ब्लॉकेज नहीं आ रहा है सीधे यहाँ तक आएगा लेकिन यहाँ पर अब फिर से रुकना पड़ेगा रुकना क्यों पड़ रहा है क्योंकि जॉब ए और जॉब बी दोनों को मशीन फोर की रिक्वायरमेंट है इसलिए यहाँ रुकना पड़ गया अब यहाँ रुक करके अब हम वर्टिकली जा सकते हैं वर्टिकली जा सकते हैं क्योंकि हॉर्जोंटल जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो वर्टिकल मूवमेंट का मतलब क्या हो गया अब यहाँ पे जॉब ए पे प्रोसेसिंग नहीं हो रही है जॉब बी पे प्रोसेसिंग हो रही है तो यहाँ तक हम जाएंगे और उसके बाद फिर से हम आगे डायगनल मूवमेंट यहाँ पे होगा डायगनल मूवमेंट फिर यहाँ पे हुआ यानी कि दोनों की प्रोसेसिंग हो रही है जॉब ए की मशीन फोर पर हो रही है और जॉब बी की मशीन फाइव पर हो रही है फिर से यहाँ पर जैसे ही जॉब ए फ्री होगा लेकिन मशीन फाइव अभी फ्री नहीं हुई है तो इसलिए फिर से वर्टिकल मूवमेंट होगा एक ब्लॉक के लिए और फिर हम यहाँ पर आगे आकर के जॉब एक ही प्रोसिंग यहाँ तक करेंगे यहाँ पे आकर के हमारा खत्म हो जाएगा काम और दोनों जॉब्स की प्रोसिंग ओवर हो जाएगी इस तरीके से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं हॉर्जोंटली ऐसे जहाँ पर भी अगर हॉर्जोंटल मूवमेंट पॉसिबल है वहाँ हॉर्जोंटल जहाँ वर्टिकल मूवमेंट पॉसिबल है वहाँ वर्टिकल और जहाँ पर अगर ब्लॉक नहीं है तो वहाँ पर हम फोर्टी फाइव डिग्रीज पे आगे प्रोसीड करते जाते हैं फाइनली बचा के हमारे पास काम कि हम ये निकाल लें कि टाइम लग कितना रहा है अब तो पहल दो, दोनों जॉब्स के लिए कितना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग टाइम प्लस आइडल टाइम तो प्रोसेसिंग टाइम तो हमको मालूम है जो दिया हुआ था वो था आइडल टाइम कहाँ पे है जहाँ पर भी जब अपवर्ड मूवमेंट ग्राफ का है उस समय आइडल टाइम हो जाएगा जॉब ए का तो अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पर है और कितने ब्लॉक्स के लिए है एक दो तीन फिफ्टीन और यहाँ पर है फाइव तो फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी ये टोटल आइडल टाइम हो गया तो टोटल टाइम कितना हो गया वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी वन हंड्रेड फोर्टी फाइव ये हो गया मशीन ए जॉब ए के लिए पूरा प्रॉसिंग टाइम इसी तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पर भी प्रोसिंग टाइम इसमें भी टोटल जो भी था वो हमने ऐड कर दिया ये टोटल हम केवल एड कर देंगे आइडल टाइम लेकिन कितना है तो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एक यहाँ पे है एक ब्लॉक इक्वल टू फाइव आवर्स और दूसरा यहाँ पर है आ, इस जगह पर एक दो तो, तीन चार पाँच छः थर्टी आर्स तो थर्टी फाइव तो टोटल टाइम इसमें जो लग रहा है वो लग रहा है हंड्रेड एंड सिक्सटी आवर्स इस तरीके से हम लोग एकर्स मेथड या ग्राफिकल मेथड के थ्रू टू जॉब्स एम मशीन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं उनका सीक्वेंस पता करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आइडल टाइम कितना होगा जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें आइडल टाइम जोड़ करके और इस तरह से ये निकाली जा सकते हैं तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से हमने देखा है सीक्वेंसिंग मॉडल जो है वो इस तरह से हमारा खत्म होता है नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलते हैं विद अ न्यू मॉडल थैंक यू